अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज का दिन ऐसा था यूनिवर्सिटी का, ओह माय गॉड, बहुत बिजी शेड्यूल था। मेरा वाइवा भी था जो कि बहुत अच्छा हुआ, और अभी भी कोई 4 बज रहे हैं, मैं घर पर आई हूँ। एंड माई सिस्टर टोल्ड मी कि भाई मुझे जाना है ग्रोसरी लेने, तो आप भी चलो मेरे साथ। पहले तो मैंने सोचा नहीं भाई मुझे नहीं जाना, बट देन आई रियलाइज कि दीदी कॉन्टेंट आ रहा है, लो उसको पकड़ लो। तो भाई अभी हम जाएंगे यहाँ से मार्ट, और मार्ट जाके देखेंगे कि वो लोग हमें ब्लॉगिंग की परमिशन देते हैं या नहीं देते। पर परमिशन देंगे या नहीं देंगे वहाँ पे पता चलेगा, देंगे तो वेरी गुड, नहीं देंगे तो। तो भाई अब हम हो गए रेडी, हमने जाना था 5 बजे, लेकिन अभी हो रहे हैं 6:30, क्योंकि जब दो बहनें आपस में बैठ के बातें करना शुरू करें ना तो टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस हम जल्दी जल्दी जाएँ ताकि फिर लेट हो जाएगा। भाई अभी हम आए किफ़ाया में, और किफ़ाया की मैनेजर से हमें मिल गई है परमिशन कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉफ़ी ब्रो, कॉफ़ी, कॉफ़ी के बगैर तो सर्दियाँ नहीं गुजरती। भाई ये इधर आई हैं अपने फ्रेंड की बर्थडे के लिए, केक बनाने के लिए, बर्थडे के लिए। इतनी मोहब्बत आई, कभी तुमने मेरी बर्थडे पे केक बना के खिलाया मुझे? नहीं। बीबी ने इतना सामान लेना था, बीबी ने मुझे इतना फॉर करवाया। चलो बीबी बिल बनाओ। अंकल की भी है, कितने रुपए की है? 500। बोल ले किलो कितने? अल्लाह, किलो 400 ग्राम। हां 1.5 किलो से एक दाना कम। 1 किलो दे दो बस। कितने दाने आएंगे 1 किलो में? ए उठा ले रे देवा। भैया जब हम जा रहे हैं सामिया पर फॉर बटर पेपर, आज पता चला बेकिंग पेपर में 2 वैरायटीज होती है। कौन कौन सी अंकल? रूखा और चिकना। ओके गाइस, सो वी आर एट होम। 40 मिनट के अंदर हम लोग ने अपनी सुपर फास्ट सर्विस से जल्दी जल्दी शॉपिंग करी है, और वो सुपर फास्ट सर्विस थी किसकी? दीदी की नहीं थी, दीदी की थी, मतलब के मेरी बहन की थी। ओके तो अब हम देखें कि क्या क्या लिए। ओके तो भाई हमने लिए है कैस्टर शुगर, बेकिंग का सामान, व्हाट इज दिस आइसिंग शुगर, क्योंकि मेरी बहन की दोस्त की बर्थडे आ रही है। बर्थडे, मेरी बर्थडे पे भी कभी ऐसे तुम कर लिया करो। बटर, रोज बटर, चनास किसके लिए? डॉक्टर ने इनको बोला है कि आप दोपहर में सैलेड खाएं, आपके वजन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये भालू बन गई हैं। और लेकिन इनकी डाइट में निम्रा क्या क्या खाती है डाइट में? इट्स अ सुपर सीक्रेट, शी कैन नॉट रिवील इट। क्यों नहीं रिवील कर सकते? क्योंकि भाई इनकी डाइटों में पता है क्या, मैं बताती हूँ आपको इनकी ओरिजिनल डाइट। इनकी ओरिजिनल डाइट में ये खाती हैं टिक्के, ये खाती हैं जिंगर, और क्या क्या खाती हैं आप? अभी मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे चल रही हूँ, बाय द वे। अच्छा, ये अभी स्ट्रिक्ट डाइट पे चल रही हैं, इसलिए अभी लेकर आई हैं सारी की सारी दालें। और क्या है, एक और भी है इनकी दाल, फेवरेट दाल, जो कि है लोबिया। लोबिया वैसे बहुत अच्छे होते हैं फॉर योर ब्लड। और हम लेकर आए हैं नूडल्स, क्योंकि आपकी बहन तो भाई नूडल्स भी होती है ना। आपने अगर मेरी स्टोरीज देखी होंगी तो मेरी स्टोरीज से आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने नूडल्स खाती हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं हॉस्टल में रह रही हूँ, हॉस्टल वाली वाइब्स आती हैं। तो भाई ये हो गया नया दिन हमारा शुरू, अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी हम शायद बहुत जल्दी आ गए, हमारी यूनिवर्सिटी पूरी खाली पड़ी हुई है। और ये मेरी दोस्त, हेलो। और हम लोग नाश्ता करके आए नहीं हैं, अब हम जाएंगे नाश्ता के लिए, क्योंकि हमारे अंकल के पास कैंटीन वाले के पास अंडा पराठा है नहीं, एंड वी वांट देसी नाश्ता बिकॉज वी आर ब्राउन पीपल्स। तो हम जाएंगे पठान के होटल, वहाँ पे करेंगे नाश्ता। आधा घंटा हो गया हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी हमने अंकल को बोला, अंकल हमारा ऑर्डर कितने टाइम में आएगा? अंकल सेड आपने दिया क्या था? वाओ, नाइस प्रैंक, क्या मजाक हुआ, क्या प्रैंक हुआ। और हमें लेट हो रहा है, अभी हमने जाना अपनी क्लास के लिए। अभी हमने अंकल की इज्जत की है, और अंकल ने हमें फौरन नाश्ता रख दिया। हमने खा क्या रहे? अंडा, सॉरी पराठा और चने और चाय वाला। ये पराठों का गोल ऐसे बिगड़ा है जैसे हमने नई नई रोटी बनानी सीखी। कि छेती हमने खाना खाकर आए हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, और अब हमें पता चला है कि हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। वाह, हमने क्लास बंक मारी है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ नाश्ते की वजह से। मैंने पूरी क्लास ली है, मैंने कोई बंक नहीं मारा। आपने लेक्चर नोट किए? यस, पूरा लेक्चर। ये हमें लेक्चर भी देंगी भाई। रुखसाना सीखी है ताज़ा मेहंदी, और ये अभी हाथ गंदे कर रही है सारा के सारा। आपको कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। सारा के इतने पिंपल्स आए सारा, आपको भरोसा है कि रुखसाना आपके हाथ गंदे नहीं करेगी? गंदे तो करेगी, क्योंकि ये अभी सीख रही है। नहीं तो तुम्हारे लिए ना ज्यादा गंदा हो गया, क्योंकि उस वक्त मैंने ताज़ी सीखी थी ना, अब उल्टा हो गया। जब रुखसार ने लास्ट टाइम लगाए थे तो रुखसार ने उस टाइम पे ताज़ी सीखी थी, मतलब बिल्कुल फ्रेश। तो तब रुखसार के पास क्या था? रुखसार न्यू टैलेंट था ना, न्यू टैलेंट था तो रुखसार ने अच्छी लगाई थी। अब रुखसार पुरानी हो गई है, तो रुखसार नहीं, रुखसार का टैलेंट पुराना हो गया। फाइनली सारा के हाथ होगा, कबाड़ा हो जाएगा। हंस रही है
ये वो वाले मेहंदी आर्टिस्ट है जिनसे मेहंदी नहीं निकल रही है वो और अब ये वो वाले आ गए जिनसे ढेर सारी मेहंदी निकल गई ये लगी सारा की ब्रांड न्यू मेहंदी और मेहंदी आर्टिस्ट कौन है ये है पिछड़ा डस्टबिन भी आ रहा है तो भैया जुम्मा है नहा लेना जुम्मा हो और बिरयानी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता और ये लो बिल्ली उनको भी वो तो देख सरदार है सबका सरदार यहाँ पे कैटी पार्टी चल रही है कैटी पार्टी तो भाई आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं जुम्मा था आज दो दिन का ब्लॉग मैंने एक साथ एडिट किया है कल का भी कल हम लोग ने छोटी छोटी सी ग्रॉसरी ली थी और आज हमारा बस यूनिक का छोटा सा दिन था छोटा सा तो नहीं था खैर अभी क्या टाइम हो रहा है 3:51 हो रहा है अभी हम घर पे जा रहे हैं जाते जाते भी पता नहीं कितने टाइम हो जाए तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो मुझे लाजमी बताइएगा और अगर इसमें कुछ भी गलती वलती हुई होगी तो लेट मी नो और अपना बहुत सारा ख्याल रखें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़